हिमाचल में नवंबर माह में सड़कों की टायरिंग नहीं की जाती, क्योंकि इस मौसम में अगर टायरिंग की जाती है तो वह कभी भी टिक नहीं पाती, क्योंकि इस मौसम में तापमान बेहद कम होता है और तारकोल अपनी पकड़ नहीं बना पाता है। लेकिन उसके बावजूद भी ना जाने क्यों लोक निर्माण विभाग सुबाथू रोड पर टायरिंग करवा रहा है। ये टायरिंग क्यों करवाई जा रही है और किसके कहने पर करवाई जा रही है या किसे फायदा देने के लिए पहुंचाई जा रही है, ये तो एक जांच का विषय है। लेकिन ये पक्का है कि इस टायरिंग का फायदा किसी को भी पहुंचने वाला नहीं है, क्योंकि जो टायरिंग की जा रही है वह पड़ते ही उखड़ने लगी है। अगर इसका फायदा होगा तो केवल ठेकेदार को हो सकता है। स्थानीय लोगों की मांग है कि इस कार्य को तुरंत रोक देना चाहिए ताकि सरकार के पैसे की बर्बादी न हो। रोष प्रकट करते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि सर्दियां आते ही टायरिंग का काम बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ठंडे मौसम में टायरिंग किसी भी सूरत में टिक नहीं पाती है। इसीलिए अगर इस मौसम में टायरिंग की जाती है तो वह महज पैसे की बर्बादी है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर विभाग फिर भी ऐसा करवा रहा है तो यह एक जांच का विषय है। इसके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिए ताकि पैसे की बर्बादी रोकी जा सके और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना हो। सर्दियों में किसी प्रकार की सड़क का निर्माण नहीं होता, उस पर तारकोल नहीं बिछाई जा सकती, क्योंकि वो जगह से चिपकेगी नहीं, उखड़ जाएगी। जैसे कि बिरटी और मनलोग में भी उन्होंने काम चलाया हुआ, शायद बजट को खत्म करने की बात होगी। ये अभी सड़क आगे बढ़ रही है और पीछे से उखड़ रही है। सड़क का इतना बुरा हाल है कि अगर एक बारिश होगी तो सारे की सारी सड़क उखड़ जाएगी कई जगह। पता नहीं ये क्या अधिकारियों के मन में बात है, ये सरकार का ध्यान सोलन के एरिया की और बिल्कुल नहीं है। जहाँ से ऊपर बैठी से मनलोग तक रोड बन रहा है, आजकल ठंड है, इस मौसम में रोड बन नहीं रहा है ढंग से, तो ये सारे रोड टूट चुका है अभी से ही। सिर्फ एक दो महीना टिकेगा, अगर टिका, अगर बारिश होगी तो खत्म हो जाएगा। ये सर्दियों में कहीं आजकल काम नहीं चलता है, सरकार की ये सारी नाकामी है जो सर्दियों में काम चला रहे हैं। ये रोड टिकने नहीं वाला है, अब इसमें जो पैसा लग रहा है हमारा ये सारा